और ये स्टॉक मुझे पता अनिल जी आपका भी फेवरेट है। जब मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था उस दिन मेरे को इतना कन्विक्शन, और आपने मेरा कमेंट्स भी लिए थे मास्टेक के ऊपर, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द मैनेजमेंट। और देखिए ये कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कंपनी की जो इन्वेस्टर लिए जो सोच है इन्होंने दिखा दी मैजेस्को में। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और ये मैं जानबूझ के देखिए, और अभी भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मतलब जितना बड़ा नाम और जितना पुराना नाम है तो 6-7 हजार करोड़ की मार्केट कैप मुझे बहुत सस्ता लगता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की ग्रोथ इस कंपनी ने दी है, आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31-32। अच्छा मास्टेक के बारे में बता दो थोड़ा सा, क्योंकि सब लोगों को मुझे लगा कि मालूम ही होगा। तो एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, बीआई, डेटा वेयरहाउसिंग और इनमें है। सो जस्ट फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स एंड जो लोग मास्टेक का नाम नहीं सुने हो, इन केस तो मैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन दिया हूं। बट अब मैं फंडामेंटल्स पे डायरेक्टली इसलिए आ रहा हूं कि देखिए, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्सीलेंट 31-32, रिटर्न ऑन इक्विटी 25-26 के लगभग। और आप देखिए पी मल्टीपल, अभी भी अगर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो मुझे अगर कोई स्टॉक 75% की 5 साल की कैगर दे और वो स्टॉक सिर्फ 27 के पी मल्टीपल पे चले तो मुझे बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि मैं ये क्वालिटी की कंपनी में इनको एकदम जो टॉप 5 जो आईटी कंपनीज है उन क्वालिटी की कंपनी मानता हूं, और उनके पी मल्टीपल्स इनसे काफी ज्यादा है। सो आई बिलीव कि जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके का पैग रेशियो है, इन सब से मुझे बहुत सस्ता लगता है। मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स आपने चैनल पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया न्यूज पे व्यूज पे, और मुझे उस दिन और कन्विक्शन आ गया था 40 करोड़ के पैट के सामने जून 2020 में 69 करोड़, तो मतलब ऑलमोस्ट 70 करोड़ का पैट है जून 2021 में। तो इस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने दी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम चल रही है, और मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज और मिड कैप आईटी कंपनीज और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और शेयर होल्डर की अगर लिस्ट देखें तो जबरदस्त है, मतलब आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs 6-7%, DIIs 10-11%, प्रोमोटर्स अपना 44% स्टेक ओन करते हैं, फिर DIIs में एबेकस ग्रोथ फंड कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया 3.5% उनका है। फिर मैंने देखा कि बहुत ही नामचीन इन्वेस्टर्स है 2-3 जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट में है। सो आई बिलीव कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से आने वाले दिनों में ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये 3000 तक के लेवल, हालांकि ये थोड़ा और मैंने बड़ा लेवल दे दिया, बट छोटा टारगेट, पहला टारगेट मैं 2800 का दूंगा और दूसरा टारगेट दूंगा 3000।